हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे हो गए। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर अगले 3 घंटे आपके लिए क्या कुछ सोचेंगे, क्या कुछ फील करेंगे, ठीक है। आपको ओपन माइंड रीडिंग को देखना है, फिर आप ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बार आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए और जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। और ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे आपके लिए उस वक्त के मैसेजेस निकल के आएंगे, ठीक है। और अगर आप स्टक सिचुएशन में हो, एक्शन नहीं आ रहा आपके पार्टनर का, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, जहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि आपको कॉल किस तरह से बुक करनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है अगले 3 घंटों के आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। ओ वाओ, फर्स्ट कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, द लवर्स बियॉन्ड इल्यूजन, वी आर द वर्ल्ड, पास्ट लाइफ, इंटीग्रेशन। वाओ, इनका मेल फीमेल साइड बैलेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार इनका आपके लिए इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि अगर ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन थे तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं आपके प्रति, इनके इमोशंस बहुत बढ़ चुके हैं, ठीक है। अगले तीन घंटों में आपके लिए बहुत प्यार फील करेंगे। रीयूनियन का इनके बारे में, इनके दिल में बहुत ज़्यादा ख्याल आएगा, मुझे रीयूनियन करना है, मुझे रिश्ते को स्टार्ट करना है। ये जो है आपकी, आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इनको लगता है कि कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, अगर कहीं पर भी घूमे ना, फिर भी आपके जैसा पार्टनर इनको नहीं मिलेगा, ऐसे थॉट्स इनके दिल में बहुत ज़्यादा आएंगे। आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे दिल में, दिमाग में, और कंटिन्यू आपके बारे में सोचते रहेंगे, भले ही कुछ भी काम कर रहे हो। जैसे मैं कमेंट में पढ़ती हूँ कि मेरा पार्टनर तो बिजी रहता है, मेरे बारे में कैसे सोचेगा, तो फिर भी ये सोच रहे हैं, ठीक है। इल्यूजन आपको बहुत, ये काम करते वक्त भी इतने बिजी होने के बावजूद भी आपको अपने आँखों के सामने चलाते हैं, जैसे कि कोई मूवी चलती है हमारी आंखों के सामने, जैसे ही आपको मूवी की तरह देख पाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इल्यूजन इनको होगी आपका, इनको भ्रम होगा आपके जैसा कोई, मतलब इनको जो इनको है किसी की आवाज़ आपके जैसी लगेगी, कोई आपके नाम के जैसा इनके सामने आ जाएगा, आपका नाम कोई बार बार इनके सामने दोहराएगा और ये सब कुछ बार बार इनको आपकी याद दिलाएंगे, ठीक है। इस तरह से होने वाला है। और पास्ट लाइफ, जैसे कि पास्ट लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे इस रिलेशनशिप का, आपका डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, आपका पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो सकता है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। और इसीलिए ये ना आपके लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, इनको यही समझ में नहीं आता है कि इन्होंने आपको डिस्टर्ब भी दिया है, आपसे दूर भी चले गए, फिर भी इनकी इमोशनल फीलिंग्स आपके लिए इतने क्यों है, थक चुके हैं इस आंसर का जवाब ढूंढते ढूंढते, ठीक है। देखो इनका यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज डेफिनेटली, या हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप ट्रस्ट करने की हिम्मत करते हो, एक बार आपने इनके ऊपर का ट्रस्ट जो खोया है ना, इनको फील होता है कि शायद अब आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओ, ट्रस्ट की वजह से, ट्रस्ट इश्यूज की वजह से ही ये रिलेशनशिप जो है स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर आप ट्रस्ट कर पाते आपके पार्टनर के ऊपर, और आपके पार्टनर अगर विश्वास के साथ आपको रीयूनियन के लिए मैसेज कॉल कर पाते, तो इस रिश्ते में प्लेफुलनेस की एनर्जीज बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये जो है कि इनके अंदर जो है अभी इस वक्त तो स्ट्रेंथ भी नहीं नज़र आ रही है, बस सोचे जा रहे हैं, इल्यूजन क्रिएट किए जा रहे हैं और आपको जो अपने आंखों के सामने चलाया जा रहा है, ठीक है। आपके ये जो भी पार्टनर है स्ट्रांगली जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सजिटेरियस के हो सकते हैं, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी, क्योंकि इमोशंस भी इनके दिल में बहुत ज़्यादा है आपको लेके, ठीक है। अगले 3 घंटों में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग आपके लिए बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे भी इल्यूजन का ही कार्ड है, भ्रम, बहुत ज़्यादा भ्रम इनको होने वाले हैं आपको लेके। इनको जैसे अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ठीक है, ये अपना हर एक सपना पूरा करना चाहते हैं, और उसी सपने में इनके आप भी हो, कि आप भी इनका एक सपना ही हो, आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करना, मतलब जो कि इनका सपना, इनकी विश कंप्लीट हो चुकी है ऐसा इनको लगेगा, ठीक है। इनके साथ कपों में आप भी हो, इनको आपका उसी तरह से अट्रैक्शन है जैसे कि इन बाकी चीज़ों का, इन प्रैक्टिकल चीज़ों का, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ जमाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए एक्शन लेने की, और इनके इनके
ये स्ट्रेंथ जमाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उस स्ट्रेंथ जमा के हो सकता है कि एक्शन भी ले ले, इनका बहुत ज़्यादा इस तरह से होगा कि मुझे बात करनी है, रिश्ते को स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोगों को जो है आपके जो भी पार्टनर है ना, ट्रैवल करके आपको मिलने आ सकते हैं, या तो इनका कॉल मैसेज आपको आ सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए शायद अगर ये अपने आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये आपके लिए एक्शन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये मैरिड पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पैंट्स है जो कि जनरली मैरिड पर्सन होते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर मैरिड नहीं है तो ये फिर भी अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने घर को प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब घर के अपोजिट जाने के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन डेफिनेटली इनको पता है कि इनकी खुशियाँ तो सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ हैं, तो आना तो इनको आप ही के पास है। आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बियॉन्ड इल्यूजन है यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स से, जो कि विजुअलाइजेशन को शो करता है, जो कि विजुअलाइजेशन को शो करता है। अपने किसी भी पर्सन को अपने आंखों के सामने हम जैसे देख पाते, जैसे कि आप अपने पार्टनर को देख पाते हो, अगर वो आपके सामने नहीं है फिर भी आप उनको देख पाते हो, तो वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, और इसी वजह से आप जो है जाने अनजाने उन्हीं के ज़रिए मैनिफेस्ट हो रहे हो। डिवाइन इनको खुद पुश कर रहा है आपकी तरफ, और इसीलिए जो है ना इनका बार बार दिल करता है आपके लिए एक्शन लेने का। इनका अगले 3 घंटों में यही होने वाला है, बहुत दिल करेगा एक्शन लेना है, बात करनी है, एक्शन लेना है, बात करनी है। डिवाइन की तरफ से इनको ये जो है साइंस दिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी याद दिलाई जा रही है कि कोई है जो तुझे बहुत याद कर रहा है, जा मिल, मैसेज कर, कॉल कर, रिश्ता आगे बढ़ा, ये इनको बताया जा रहा है, जो कि इन्होंने आपसे पास में मूव ऑन किया था, ठीक है, छोड़ के चले गए थे। लेकिन इस बात का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, उनको पता है कि आपको छोड़ के इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इनकी दुनिया आप हो, देख सकते हो यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, और यहाँ पे दुनिया है, पूरी दुनिया कहीं पे भी, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला है पूरी दुनिया भी घूमे ना, फिर भी आपके जैसा पार्टनर इनको कहीं नहीं मिलने वाला है। भले ही 17 लोगों से बात करें, चैटिंग करें, मिले, इन हर एक में आप ही को ढूंढेंगे, और अब इनको पता चल चुका है कि इनको जो है आप ही को थामना पड़ेगा, आप ही के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मूव ऑन करके तो गलती मैंने कर ली है, शायद इसलिए इनके पास स्ट्रेंथ नहीं होता है आपके साथ रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाने के लिए। और थर्ड पार्टी भी है यहाँ पे डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बोला किंग ऑफ फ्रेंड्स एक मैरिड पर्सन होते, ये थर्ड पार्टी के होते हुए लेकिन उसको पकड़ के उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, जैसे कि इस बैंड को नहीं देख रहे, ठीक है, लेकिन खुशियाँ आप ही के साथ देखते हैं। इनको डेफिनेटली ब्राइट फ्यूचर आप ही के साथ स्टार्ट करना है, और इसलिए जो है आपके ऊपर नज़र टिकाए बैठे हैं, और इसी तरह से बहुत ज़्यादा सोचेंगे, एक्शन लेना है। बहुत सारे लोगों को एक्शन आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ठीक है, आपके जो भी पार्टनर है ना स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है, और स्ट्रिक्ट भी बहुत ज़्यादा है। इनका ऐसे है कि तू मेरी बात मानेगी, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपने दिल के ऊपर पत्थर रखने के लिए रेडी हूँ, इस तरह से है। लेकिन जो कि अभी हो ऐसे रहा है कि यूनिवर्स के ज़रिए इनको बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है, और मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा ये खुद ही कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए जो है लोगों से, लोग भी इनको जो है आप ही के रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, कुछ इनको पूछते रहते हैं, इसलिए जो है अब इनको इस बात के ऊपर यकीन हो चुका है कि यस कुछ भी हो जाए लेकिन इन नेगेटिव थॉट्स को मुझे हटाना पड़ेगा, और जो कि इनकी फीलिंग्स भी आपके लिए ट्रू है, ठीक है, आपके लिए लॉयल है। लॉयल मतलब कि भले इन्होंने आपको चिढ़ करके किसी थर्ड पार्टी के पास भी चले गए थे, लेकिन इनकी फीलिंग्स आपके लिए बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। इनको आपका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, प्यार तो बहुत करते हैं, इसलिए यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आया था, ठीक है। इनके तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ रिसीव होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पे कम्युनिकेशन रिसीव होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेज आने के चांसेस है। तो यस, अगले 3 घंटों में यही सोचेंगे आपके पार्टनर आपके लिए। ओके, अब हम देखते हैं लव मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या है। अगले 3 घंटों में आपके पार्टनर अगर आपसे बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे, ठीक है, जो कि रीडिंग आपने देख ली है। अब हम देखते हैं कि मैसेजेस क्या निकलते हैं आपके पार्टनर के ज़रिए, आपके पार्टनर आपसे क्या बात करना चाहेंगे अगले 3 घंटों में। तो सबसे पहला कार्ड है, आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी, आपने जो भी लेसन इनको सिखाया है इस रिलेशनशिप में वो बार बार इनको याद आता है, कभी भी नहीं भूलेंगे। माय हार्ट बिलोंग्स टू यू, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीते हैं, इनका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, ये आपसे टाइम भी चाहते हैं और आपसे कमिटमेंट भी चाहते हैं इस रिश्ते से।
आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉक अवे फ्रॉम यू। आप देख सकते हो यहाँ पे एट ऑफ कप से जो कि उन्होंने मूव ऑन किया था वो बता रहा है और इसी से रिलेटेड ये मैसेज है, आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉक अवे फ्रॉम यू, ये आपको छोड़ के चले गए थे, इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, ये फिर से आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, फिर से प्यार को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपसे आज भी बहुत ज़्यादा प्यार करते। डोंट बी सो इनसिक्योर, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी, अगर आपने इनको बहुत ज़्यादा भला बुरा कुछ बोला है वो बातें इनको बहुत याद आती हैं और इनको बहुत तकलीफ होती है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, ये आपसे डेफिनेटली शादी करना चाहेंगे, प्लीज़ डोंट मूव ऑन। वाह, वो आपको बता रहे हैं कि प्लीज़ आप उनको छोड़ के ना जाएं। वेरी नाइस, कितने अच्छे एनर्जीज निकल के आई है। तो अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग करा लीजिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है रियलिटी जानने में, ठीक है। यस, कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।